हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोई रेसिपी नहीं लेकर आए हैं। आज हम देखने वाले हैं कि कॉर्न कर्नल्स को आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। बिना किसी मशीन के अपने हाथों से हम इसे निकालने वाले हैं। आप इन कॉर्न कर्नल्स को सैलड में यूज कर सकते हैं, सैंडविच में यूज कर सकते हैं, और भी तरह तरह की रेसिपीज आप इसे बना सकते हैं। बाहर से रेडीमेड पैकेट लेने से अच्छा है आप इसे घर में आसानी से निकाल लें। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप मेरे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। और यह बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉर्न कर्नल्स को निकालने से पहले हमें ये ऊपर की लेयर निकालनी होती है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। इसे हमने कट कर लिया है और इसे अपोजिट डायरेक्शन में निकालना है, तो ये आसानी से निकल जाता है। ऊपर की लेयर निकाल देते हैं। इसे निकालना बहुत ही आसान हो जाता है और यही सही तरीका है ऊपरी लेयर को निकालने का। अब इसके जो धागे हैं, इसे भी थोड़ा रब करके निकाल देंगे। इसके सारे थ्रेड बहुत आसानी से निकल गए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए अब इसके दाने निकालना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक स्पून लिया है, स्पून के बैक साइड से इसे निकालना शुरू करते हैं। देखिए मैं किस तरह से निकाल रही हूं। इसे यहां पर ऐसे बीच में डाल के पुश करते जाएं और इस तरह से ये आसानी से निकल जाता है। पहली लाइन निकालने के लिए थोड़ा समय लगेगा, थोड़े से दाने डैमेज भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगला जो लाइन होगा वो हम आसानी से निकाल पाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने स्पून के बैक साइड से पहली लाइन बहुत आसानी से निकाल लिया है। देखिए अब दानों को, बाकी जो लाइन है उसके दानों को इस तरह से प्रेस करके निकालते जाएंगे। बहुत आसानी से निकल जाता है, बस प्रेस करते जाएं और निकालते जाएं, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। इसे निकालने में बहुत कम समय लगता है, अराउंड 2 मिनट में ये सारे दाने निकल जाते हैं। आप लोग ट्राई जरूर करें, अगली बार जब भी कोई कॉर्न की रेसिपी बनाएं तो इस मेथड को जरूर ट्राई करें। और फ्रेंड्स, आपने अगर ये मेथड से कॉर्न कर्नल्स को निकाला है तो मुझे जरूर बताइए, और ये भी जरूर बताइए कि आपने कौन सी रेसिपी बनाई। तो देखिए ऑलमोस्ट सारे दाने निकल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, सारे कॉर्न निकाल लिए हैं। यहां देखिए एक एक दाना बहुत अच्छे से निकल गया है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये मेथड यूजफुल लगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, आप इस मेथड को जरूर ट्राई करें और मुझे अपने अनुभव शेयर करना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। होप कि आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। Thank you so much.